मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहिए। डिस्चार्ज करवा दो, साढ़े बारह बजे कॉल आते हैं कि आपका सर, मैं इन तीन बच्चों को यहाँ लेके घूम रही हूँ, आपको पता है टाइम कैसा चल रहा है, आप समझते हो ना सर। साढ़े बारह बजे आप सोचिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज करा दीजिए, ये कुछ भी कर सकते हैं सर, अंदर एक बार डिस्चार्ज करा दीजिए। ये हाल दिल्ली के छतरपुर में बने सरदार पटेल कोविड सेंटर का है, जिसे लेकर दावा किया गया था कि परिसर में बने 500 बेड में इलाज के लिए सारी सुविधाएं होंगी, पर दो ही दिन में सरकारी दावे फुर हो गए। जिस कोविड सेंटर को बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया गया था, वो अब मरीजों की उम्मीद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में बेड तो है, पर किसी बेड में ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है और सुविधाएं नहीं है। ना तो वहाँ पर कोई सुविधा है, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। कंबल मांगा, तीन दिन से कंबल नहीं मिल रहा, तीन दिन से कंबल मांग रहे, तीन दिन से लगातार बात कर रहा हूँ उनसे, कह रहे अभी तक नहीं दिया कंबल। पानी पहले शुरू में पानी नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत आ रही है, खुद कह रहे यहाँ से निकाल दो, यहाँ से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अंदर स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उसके मार रहे हैं। परिवार अपने मरीज को डिस्चार्ज करने की गुहार लगा रहा है, शासन प्रशासन के आगे रो रहा है, मरीज को बचाने के लिए हाथ फैला रहा है, पर आलम ये है कि इस बेबसी को सुनने वाला कोई नहीं है। सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए, मेरे हस्बैंड का ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ सर, प्लीज। मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए सर। न सुविधा देंगे, न इलाज देंगे, न ही डिस्चार्ज करेंगे, ये हाल है राजधानी के सबसे बड़े कोविड सेंटर का। इतना ही नहीं, अपने पापा को डिस्चार्ज कराने की गुहार लगाते इस बच्चे से कोविड सेंटर के प्रशासन ने जो कहा, वो सुनकर तो आपका कलेजा आपके मुंह को आ जाएगा। कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई, मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है, किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के बंदे सर, किसी की डेथ हुई है, बाकी किसी की डेथ नहीं। तो सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को वापस कीजिए, वापस कीजिए, किसी तरह मेरे पापा को वापस दिला दीजिए बस सर, ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। सिस्टम ने दम तोड़ दिया है और सरकार ने अपने कान में रुई ठूस ली है और आंखों पर पट्टी बांध ली है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बात करें बीते 24 घंटे की, तो राजधानी में कोरोना के लगभग 26,000 मरीज सामने आए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से मरीजों के लिए इलाज करने के इंतजाम करने के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरीज इलाज ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं और परिवार बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनों को खो रहा है, पर सुनने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।